रहे हैं अभी कोच के पास, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आपने क्या सिखाया इनको। कितने रन पड़े हुए? कितना? तो गाइज यहाँ 46 रन पड़ चुके हैं। ये है इनके कोच, जैसे आप देख रहे हैं सिविल के कोच है, 49 रन पड़ चुके हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग सभी को। तो क्या हाल चाल है सभी का, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों पे ठीक होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ यार। तो अपने नेबर्स का भी बता देना मुझे कैसे हैं कमेंट में, ठीक है ना। तो भाई जस्ट मैं उठा तो मैं सुबह का हूँ 6 बजे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बॉक्सिंग के मैचेस थे, तो सुबह मैं वो देखने गया था। तो अभी आया हूँ अंदर, अब होने लगा मैं तैयार, क्योंकि कॉलेज जा रहा हूँ, 10:30 बजे क्लास तक जानी है। चला गाइज मैं अभी कॉलेज, तो मिलता हूँ कॉलेज के आने के बाद, तब तक तैयार हो लेता हूँ कॉलेज से, आज जल्दी आ जाऊंगा क्योंकि आज मैचेस चल रहे हैं कॉलेज में, तो छुट्टी जल्दी हो जाएगी। मिलता हूँ गाइस आपको थोड़ी देर के बाद, तब तक मैं ब्रश वगैरह कर लेता हूँ और नहा लेता हूँ। गाइस इसके बाद मैं आ गया था यार ग्राउंड में, तो क्योंकि तौसीफ और फुरकान का था बॉक्स क्रिकेट का मैच, तो मैं वो मैच देखने के लिए आया। यहाँ पर चल रहा था तौसीफ का, तौसीफ की बैटिंग मेरे ग्राउंड में आने से पहले ही हो गई थी, तो अब इसकी बॉलिंग की बारी थी। तो देखिए यहाँ पर शायद मृगेश यहाँ पर बॉल डाल रहा है, तो अंपायर के साथ कुछ बहस कर रहा था शायद, वो यहाँ पूछ रहा था कुछ। पर यहाँ पे देखो मृगेश अपनी पहली बॉल डालेगा शायद, लेगा कोई विकेट। तो देखो गाइस, तो ये देखिए पहली बॉल इसने डाली और ये पहली बॉल में इसको शॉट पड़ी, तो इसी के साथ ये डालेगा अब दूसरी बॉल। ये डाली इसने दूसरी बॉल और ये पड़ा है इसको फिर से, शायद रोक लिया चौका जाते हुए। सो गाइज इसको हम बॉक्स क्रिकेट बोलते हैं यार, ये नेट के अंदर खेलना होता है, ये हमारे वहाँ J&K में नहीं खेला जाता, शायद यहीं पे होता है बॉक्स क्रिकेट। अगर इसके मतलब नेट के बाहर गई तो आउट होता है। तो ये देखो इसकी नेक्स्ट बॉल, ये गया चौका, 4 रन। तो अब नेक्स्ट बॉल इसकी दोबारा से होगी गाइज, इसी के साथ इसने विकेट ले ली थी एक, तो वो मैं शूट नहीं कर पाया। सो गाइज चलते हैं आगे। सो हे गाइज कैसे लग रही है मेरी नई लुक यार, तो कमेंट में बता देना कि नीचे से लगती है या बेड। तो गाइज मैं आ चुका था कॉलेज से, तो अभी मैंने जस्ट ट्रिमिंग की है अपनी, अंदर है नहीं कोई, सारे अपने अपने गेम हैं ग्राउंड में। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे ग्राउंड में चल रही है टूर्नामेंट, सारे वहाँ पे गए हैं। तो मैं जस्ट अभी कॉलेज से आया, तो मैंने ट्रिमिंग की, और बता देना गाइस कमेंट में कि ट्रिमिंग से ही बेस्ट लगती है या फिर बेयर में कुछ जचती है। तो गाइस अभी मैं कर लेता हूँ थोड़ी सी रेस्ट, क्योंकि मैं अभी जस्ट नहाया ट्रिमिंग वगैरह करके, मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगा, अभी 1-2 घंटा सोऊँगा अच्छे से, फिर उसके बाद नाश्ता करने जाएंगे। अगर बीच में ग्राउंड में गया तो फिर दिखाऊँगा उसका व्यू, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, तो मैं भी सो लेता हूँ, ठीक है गाइस। सो गाइस अभी हम आए थे ग्राउंड में, मेरे साथ है फुरकान भाई, हमारे ग्राउंड का कुछ माहौल। ये 6 रन मारते हैं, कैच, ओ सिक्स। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी कोच के पास, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आपने क्या सिखाया इनको। कितने रन पड़े हुए? कितना? तो गाइस यहाँ 46 रन पड़ चुके हैं। ये है इनके कोच, जैसे आप देख रहे हैं सिविल के कोच है, 49 रन पड़ चुके हैं जैसे आप देख रहे हैं। अभी हम कोच से पूछेंगे क्या सीन हुआ है, क्यों इतने रन पड़ चुके हैं। 2 मिनट अभी सिखा रहे हैं कुछ इनको, ये भी देखिए, ठीक है, इधर देख। तो हम कोच साहब से पूछ लेते हैं, माइक दे हाथ में। बड़ी मिस्टेक्स हुई आज जैसे आप देख रहे हैं, थोड़ी बॉलिंग गंदी हुई, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ना बॉलिंग बिल्कुल गंदी नहीं हुई है, 30 बॉलों में पड़ चुके हैं आपके, ऐसे बोल जा रहा है। कितने बॉल? 30 बॉलों में 46 हुई, ज्यादा नहीं है। ये वो लड़कियां हैं जो कि अभी बिगनर्स हैं, मतलब इनको बेसिक का भी पता नहीं है, इनको हम सिखा रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड में। तो आप कमेंट करके बताइए क्या 30 बॉलों में 46 रन ज्यादा है करने में। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या आपके बैट्समैन अच्छे हैं या बैट्समैन भी ऐसी बॉलिंग की तरह ही? नहीं, बैट्समैन अच्छे हैं, बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया। आपके बेस्ट बैट्समैन कौन है? अच्छा नाम बताइए उसका, बेस्ट बैट्समैन कौन है? अभी बेस्ट निकले नहीं है, हमने सुना कोई मयूरी नाम से बेस्ट, अभी बेस्ट कोई नहीं है, बेस्ट सारे हैं ये, अभी ये बिगिनर्स हैं, बेस्ट बनने में थोड़ा टाइम लगता है। जब मैं खेला करता था तो मैं भी ऐसा ही खेला करता था, मैं अब बेस्ट बनूं, अभी भी बेस्ट नहीं हूं। आप कहना चाहते हैं बिगिनर हैं, अभी बिगिनर आराम से सीखेंगे, आराम से। चलो अच्छी बात है, तो गाइस चलो हम देखते हैं अभी। आपका नाम क्या है?
कशिश यहाँ पे ओपनर चढ़ी स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे कशिश चढ़ी है, वहाँ पे चढ़ी है। तो भाई ये जो लौंडा है ना, ये क्या था लड़का? कुछ नहीं हुआ मेरे। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? मैं मुंह कवर करके गया था अपना और लड़की डरी गई। आप बस ऐसी रख ऐसी सही लगता है यार। इनके जो कोच है यहाँ पे हमारे पास, इनका नाम है प्रियांशु, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे। तो बैटिंग तो बहुत अच्छी की है इन्हें, तो देखते हैं क्या बताते हैं बैट्समैन के बारे में। आपके बेस्ट बैट्समैन कौन है? वो दिखाइए वहाँ पे, वो बेस्ट बैट्समैन आपने देख लिया। यहाँ पे हमारी सेकंड इनिंग शुरू हो गई है सिविल और मैकेनिकल की, तो देखते हैं इनमें से कौन जीतता है। का सीन कुछ ऐसा है ना, हमारी सिविल की टीम है ना बहुत ढीली है, खेल ही नहीं पा रहे हैं। हमारे जो कोच है ना, इन्होंने इनको इतना कुछ सिखाया था, अभी ये बेचारे सीखे नहीं कुछ। कोच को अब इनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। क्यों भाई, कोच का पैसा देगा वापस? नहीं, अभी तक कोच तो बता रहे हैं कि अच्छा खेल रही है। अभी वैसे दो ही ओवर हैं, दो ओवर नौ रन हो चुके हैं। वैसे थोड़ी सी रन चाहिए, बहुत ज़्यादा चार मार गया यहाँ पे इनकी तरफ से। बोटी एक बार ये लग नहीं रहा है, बॉल पकड़ पाएगी। उनको पहले बताइए कि पॉइंट थोड़ा छोटा कीजिए, जिससे रनिंग थोड़ी फास्ट हो। जैसे देख रहे हैं हमारे जो बल्लेबाज, आप जैसे कि देख सकते हैं जो बल्लेबाज खेल रहे हैं अभी बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं। लेकिन जो कैप्टन है इनकी, आउट हो गई, अच्छा खेल रहे हैं। अभी देखिए आउट हो गई, ये बॉल दी और वाइड गेंद आती हुई। फिर से जो अंपायर हैं वो इनके कोच हैं, वहीं से इनको समझा रहे हैं। कुछ ये कुछ जो लिखा है इनकी शर्ट पे, कुछ 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 होता है, क्या करो दाही, कुछ कुछ होता है। कोई बात नहीं, जब देखते हैं अभी वहाँ से बॉल हिलते हुए आते हुए वहाँ से देखे, ये आ जाइए बॉल और ओ बहुत ही बेहतर। गाइस अभी के लिए इतना ही, थोड़ा फिर बाद में अब जब देखते हैं कि कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, फिर उसके बाद आपको बताएंगे जो विनिंग टीम होगी उसके साथ आपको चढ़ाते रहेंगे। हाँ, जो विनिंग टीम होगी उसके साथ हम थोड़ा सा इंट्रो लेंगे उनका, उनसे पूछेंगे आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप कैसे जीते हैं। मैं फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ अंदर। अब मैं 10 मिनट थोड़ा सा लेट जाऊँगा क्योंकि ग्राउंड में आज बहुत ज़्यादा घूमे हमें यार, धूप में ना इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। 5 भी बजने वाले हैं, 4:30 तो हो गए हैं, 5 बजेंगे तो 5 बजे हमने चले जाना है अपना नाश्ता करने के लिए। बाकी वाले अभी ग्राउंड में ही हैं, मैं अकेला आया हूँ तो तब तक करूँगा रेस्ट, फिर वो आएगा, बाकी वाले आएंगे फिर जाएंगे हम नाश्ता करने के लिए अपना। तब तक के लिए मैं सो जाऊँगा, आप भी सो जाओगे जिसने सोना है, तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। फाइनली गाइस अब हम उठ चुके हैं और हमारा हो चुका है जिम का टाइम, तो अभी हम जाएंगे जिम यार, थोड़ा वर्कआउट करना भी जरूरी होता है। थोड़ा दिन ना लेट लेट के बैठ के तो शरीर भी दुखने शुरू होता है। अब जाएंगे हम जिम, थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, थोड़ा ट्राइसेप्स को अपना पंप करेंगे, रात आएंगे फिर जाएंगे डिनर करने के लिए। ऐसा जाएगा पुरुषोत्तम, चलते हैं गाइस आपको जिम में जाके। सो गाइस आपको मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ, तो ये देखो गाइस रंगोली हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने खुद ड्रॉ की है, इसने नहीं की है, पवन ने जो बैठा हुआ है, ये लड़कियों ने की है। ये ज़्यादा क्रेडिट लेने के लिए बैठ गए। चलो गाइस चलते हैं, तो मिलते हैं आपको डिनर करने के बाद। सो हे गाइस फाइनली हमारा हो चुका है डिनर का टाइम, मैं आ गया था जिम से तो अभी जा रहा हूँ मैं डिनर करने के लिए। गाइज आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, तो आज हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं ग्राउंड में जाके, तो थकावट भी हो गई है, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे करता हूँ एंड। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इसी के साथ चैनल कर देना लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। गाइस चैनल कर देना आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब, तो मेरी तरफ से गुड नाइट, हर हर महादेव सभी को, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और अच्छे कंटेंट्स के साथ। बाय बाय।